हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है, गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे जरूरी होता है। सही बात। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है? अडवाणी। अडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु है। अडवाणी जी की हालत देखी है आपने? अडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे राहुल गांधी की। उन्होंने बयान दिया है, बहुत तल्ख बयान दिया है, हरिद्वार की रैली में मोदी पे सख्त बयान दिया है। और वो बयान है आडवाणी जी को लेकर। आडवाणी जी के लिए बोला है कि कैसे हिंदू धर्म में गुरु की कितनी इज्जत होती है, कितना सम्मान होता है, और मोदी ने अपने गुरु आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया है। इस पर सुषमा स्वराज ने बेहद सख्त आपत्ति की है और कहा है, ट्विटर पे ही ट्वीट किया है कि आडवाणी जी पिता तुल्य हैं राहुल जी। साफ साफ तौर पे राहुल जी को, राहुल गांधी को संबोधित किया है वो ट्वीट। वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिया है। उन्होंने कहा है कि आप भाषा की शालीनता बनाए रखें, संयम रखें। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। मैं पूछना चाहूँगा तिवारी जी, आपको ध्यान होगा कि राहुल जी ने एक बार कहा था कि प्रेम बांटिए, मैं प्रेम बांटता हूँ, वो हेट बांटते हैं। आपको क्या नज़र आता है? आपको केजरीवाल नज़र नहीं आता है राहुल जी के अंदर? आपको ध्यान होगा कि लात मार के बाहर निकालना एक, हालांकि केजरीवाल जी ने भी रैली में नहीं बोला था वो। एक्चुअली यहाँ पे जो राहुल गांधी का दिख रहा है, इमेच्योरिटी दिख रही है। दरअसल जो भी उन्हें एडवाइज कर रहा है कि एग्रेसिव रहिए, क्योंकि अब आप यदि राष्ट्रीय पार्टी का कोई नेता दिख रहा है मोदी के सामने तो आप ही हैं। तो उस एग्रेशन के चक्कर में कई बार वो अतिरेक कर जाते हैं। जैसे जब अडवाणी जी को टिकट न देने का फैसला हुआ, उसके बाद इन्होंने, राहुल गांधी ने और ममता बनर्जी ने, दोनों जने ने बोला था इस बात पर और कहा था कि हिंदू धर्म में ये क्या हिंदू धर्म सिखाएंगे, मोदी जी सबको सिखाते रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद अपने गुरु की इज्जत नहीं की, हिंदू धर्म में गुरु की क्या इज्जत होती। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इस बात पर आ करके यहाँ पे की लात मार करके मंच से उतार दिया और ये भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो निहायत आपत्तिजनक है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद वो इसकी बहक जाते हैं, बोलते बोलते बहक जाते हैं। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि राहुल जी दावा करते हैं हम प्रेम से बात करते हैं, आई लव मोदी, मोदी हेट मी, हम कैसी भाषा बोलते हैं, वो कैसी भाषा बोलते हैं, ये बात लगातार कहते हैं। आपको ध्यान है केजरीवाल जी ने भी कहा था कि मैं प्रशांत भूषण उनके लिए लात मार के बाहर निकालो, लेकिन वो फ़ोन पे कहा था, फ़ोन रिकॉर्डिंग बाहर आई थी, रैली नहीं थी वो। तो ये पहला वाक्या है कि कोई इस तरह की बातें करे। वो क्या कहें, ओवर एग्रेशन या मतलब एग्रेशन के चक्कर में कि हम बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं या इन पे अटैक कर रहे हैं, उस चक्कर में ये बात बोल के बोलनी नहीं चाहिए। क्या क्या ये इससे एक तरह से राहुल की स्थिति कमजोरी होगी ना एग्रेशन में? क्यों क्यों होगी? नाम लेते जाइए, आप लाइन से नाम लेते जाइए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले कामराज, कामराज को लात किसने मारी, आप आते जाइए सीताराम केसरी, इतनी लंबी लिस्ट है जिनके यहाँ कि कितने लोग जिन्होंने राहुल गांधी की नहीं है ना, उनको जो अभी तक इनके संगठन महामंत्री हुआ करते थे द्विवेदी जी, उनको किसने हटाया? उन्होंने ही हटाया। वो कहाँ पे आज कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मोतीलाल वोरा को कोषाध्यक्ष पद से हटाया, कहाँ दिखाई देते हैं? कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है कि वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है, या ये कि पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है तो आपके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पे साफ साफ चूंकि अडवाणी जी का टिकट कटा है इसलिए आप उसको इशू बना रहे हैं, वो सारे दलों में मिलेगा। लेकिन ये जो है ज़्यादा एग्रेशन के चक्कर में ये गड़बड़ हो रहा है। और बस जो शब्दों की और भाषा की मर्यादा न रख सके, एक बात और है, चाहे राजनीति हो चाहे और, जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा गलतियाँ करेगा। ये पीएम मोदी के साथ भी बात आती है, जब वो ज़्यादा लंबा भाषण देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलती करते हैं। ठीक इसी तरह से ये एग्रेशन में बोल रहे हैं तो लगातार गलतियाँ करेंगे। अब अडवाणी जी को लेकर के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, ये सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के साथ नहीं, विपक्ष के साथ नहीं, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, ये तो बड़े बुजुर्गों का अपने परिवार में भी इज्जत नहीं करते, ये वो इज्जत है, मतलब यहाँ पर वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो सहानुभूति हो और शब्दों का प्रयोग, खासतौर पर आप जब पीएम पद के उम्मीदवार हैं तो, क्योंकि आप लगातार ये सवाल उठाते हैं कि जो पीएम है वो किस तरह की नॉन गरिमापूर्ण एक तरह से भाषा बोलते हैं, और आप जब पीएम के उम्मीदवार हैं, होना चाहते हैं पीएम, आप जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो भी दावा करते हैं कि हम बड़े प्रेम की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनका इतिहास वहाँ से शुरू हो जाता है और जो बीजेपी आज शाम से शुरू कर देगी ये तय है, क्योंकि वो कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है जहाँ बहुत लोगों को, जो सो कॉल्ड राहुल जी कहते हैं कि लात मारी गई, वो ऐसे बहुत से लोगों को लात मारी गई, और इवन जिंदा रहते नहीं बल्कि मरने के बाद भी उनको मौका नहीं दिया गया कि उनकी समाधि यहाँ बने या उनकी लाश कांग्रेस के दफ्तर में जाए। ये सारे
इलाज ये सब खुलेंगे। अब जो प्रथम चरण का चुनाव है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया है, और आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।